हमें बेतिया नगर निगम में नहीं रहना है। इस नारे से बेतिया का एक इलाका गूंज उठा। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत गांव का है। दरअसल यहां नगर निगम के परिसमन पर बवाल मचा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों की भीड़ ने कई घंटों तक पुलिस को घेरे रखा। फिर एसपी के आदेश पर दोनों व्यक्तियों को छोड़ा गया। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत गांव में उस वक्त बवाल हुआ जब पुलिस ने नगर निगम के परिसमन का विरोध कर रहे दो ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस टीम को घेर लिया और हंगामा करने लगे, जिसकी सूचना बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा को दी गई। एसपी ने दोनों ग्रामीणों को छोड़ा, तब जाकर ग्रामीणों ने पुलिस को जाने दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कुछ प्रत्याशियों के सांठगांठ पर पुलिस ने दो ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। और एक आम सभा इकट्ठा किए थे ताकि जो जनता के साथ अत्याचार हुए उसको जो हम लोग बहिष्कार करने के लिए बहिष्कार नगर निगम में हम रहना नहीं चाहते हैं। हम गरीब आदमी हैं, एकदम मजबूर आदमी हैं। हम लोग कमाते हैं, दिहाई करते हैं, 250 रुपये रोजी रोटी चलाते हैं, जीवन बसर करते हैं। हमको सरकार जो है जबरदस्ती दबाव में हमको नगर निगम, हम लोग इससे वंचित चाहते हैं। हम नगर निगम में नहीं रहें। हम लोगों का गाँव देहात जो है इसको फिर दोबारा जाँच कराया जाए, परिसीमन में सुधार किया जाए और सुधार करने के बाद इसको पंचायत लागू करें और पंचायत का चुनाव करा लिया जाए। हम लोग गाँव के आदमी है, गाँव में रहेंगे। हम लोग नगर निगम का लाभ नहीं है। इतना मोटी रकम जो है हम सरकार को नहीं दिया। कितने देर पहले बता दें कि बेतिया नगर निगम में बरवत परसाईं पंचायत को शामिल किया गया है, जिसका गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नगर निगम में नहीं रहना है, बावजूद इसके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस इलाके को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। देशवा न्यूज के लिए बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।